अंदर चैप्टर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने देखा था। पार्ट 1 के अंदर लेखक शंकर दयाल शर्मा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसके बाद हमने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त किया था। उसमें हमने देखा था कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो भाग्य में मानने वाले, भाग्य को मानकर बैठने वालों में नहीं थे। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने हाथ की लकीर यानी अपने भाग्य को देखकर बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर भाग्य में होगा तो मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कर्म करने पर भी अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो उनमें मानने वालों में से नहीं थे। वो अपने कर्म को ही मानते थे यानी वो भाग्य को लेकर बैठने वालों में से नहीं थे। वो कर्म सतत कर्म करना जानते थे। वो जो कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है कि तू कर्म कर फल की आशा मत रख, तो लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसे ही थे। वो सतत कर्म करने में ही मानते थे। इसीलिए तो उनके आगे लाल बहादुर शास्त्री के आगे विशेषण के तौर पर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री यानी कर्मयोगी जो शब्द है वो विशेषण लाल बहादुर शास्त्री कैसे थे तो कर्म योगी यानी विशेषता दर्शाता है। तो इसी प्रकार वो कर्म को मानने वाले थे। वो सतत कर्म करते रहते थे। वो फल की आशा कभी भी नहीं रखते थे। अगर कुछ फल प्राप्त हो भी जाता था तो वो फल प्राप्त हो गया है जो फल उनको तो उन पर वो खुश नहीं होते थे। लेकिन वह उनकी उनको साइड में रखकर और कर्म करते थे और वो सतत कर्म करते रहते थे। और वो कर्म जो करते थे वो अपने देश के हित में ही वो कार्य करते थे। तो इस तरह से उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक भाग दौड़ को भी संभाला था। तो यहाँ तक हमने देखा था। आगे अब चैप्टर पढ़ेंगे और साथ में उसकी शब्दार्थ देखेंगे और साथ में उसको समझने का प्रयत्न भी करेंगे। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। यहाँ पर जो शास्त्री जी है वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वो सामान्य ही बने रहे। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जन्म सामान्य परिवार में होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी सामान्य परिवार में होती है, उनका परवरिश जो उनकी परवरिश है वो भी सामान्य परिवार में होती है। जब भी वो बड़े व्यक्ति बन जाते हैं तब भी वो अपना जो सामान्य गुण है वो छोड़ते नहीं है। यानी वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो सामान्य बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। विनम्रता का मतलब है विनय। शब्दार्थ भी देखते हैं साथ में। शब्दार्थ भी हम देखेंगे। विनम्रता का मतलब है विनय। यानी लाल बहादुर शास्त्री के अंदर तीन गुण ऐसे थे कि वो विनम्र थे यानी विनय थे, उनके अंदर एक सादगी थी और वो सरलता उनके अंदर देखने को मिलती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। यानी लाल बहादुर शास्त्री का जो व्यक्तित्व है वो हमारे जो गांधी बापू है उनसे ही मिलता जुलता था। इसीलिए उन्होंने सन 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा और को इसके लिए प्रेरित करते रहे। यानी यहाँ पर प्रभाव का मतलब है असर। प्रभाव यानी असर। यानी लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी बापू का प्रभाव इस तरह से पड़ा कि वह उनमें ही कार्य करते रहे और उन कार्य के लिए दूसरों को भी प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की
वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के बारिश होगी। यहाँ पर बाइबल का मतलब है जो ईसाई लोग होते हैं उनका धर्म ग्रंथ पुस्तक है, जिस तरह से हमारा धर्म ग्रंथ पुस्तक जो गीता है उसी प्रकार से वह उनका धर्म ग्रंथ बाइबल है। तो यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा था, जो शास्त्री जी से संबंधित है, लिखा था कि वह उक्ति बिल्कुल ही सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के बारिश होगी, यानी जिनके अंदर विनम्रता होगी वही पृथ्वी के बारिश होगी। यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं, बारिश का मतलब है उत्तराधिकारी, बारिश यानी उत्तराधिकारी। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी, यानी जब उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम, यानी जब गांधी जी ने हमारे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किया था, तब वो जब स्वतंत्रता संग्राम में जब जुड़े तब उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। आह्वान का मतलब है चुनौती। आह्वान यानी चुनौती, यानी जो आजादी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था उस वक्त उन्होंने जो चुनौती रखी थी, उस चुनौती पर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल छोड़कर उस संग्राम में सम्मिलित हो गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, यानी उसके बाद वो स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने काशी के अंदर विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा, यानी उनका मन हमेशा देश की आजादी को लेकर और उनके अंदर कार्य करने में ही उनका मन लगा रहा था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। यानी फिर क्या हुआ, क्योंकि वो सतत अपने देश के बारे में ही सोचते रहते थे, उनके कारण 1926 में वो लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इनमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। यानी यहाँ पर 1926 में जब वो लोक सेवा से जुड़े तब उन्होंने गांधी जी के विचारों को आगे लेकर, गांधी जी के विचारों के साथ उन्होंने आगे काम करना शुरू किया। और गांधी जी का जो पहला काम था अछूतोद्वार के काम, यानी जो अछूत छुआछूत की जो बात थी, काले गोरे के जो भेदभाव थे, उन सारे भेदभावों को मिटाने का वो काम कर रहे थे। यहाँ पर अनुरूप का मतलब है अनुसार, कार्य कर रहे थे उसी तरह से ही लाल बहादुर शास्त्री ने अपने देश के लिए कार्य करना शुरू किया। यहां से शास्त्री के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो गया। अध्याय का मतलब है प्रक्रम, अध्याय यानी प्रक्रम। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यानी यहाँ पर 1930 में जब गांधी जी के द्वारा नमक आंदोलन शुरू हुआ था, यानी जो नमक पर जो कर लगाया गया था उसमें नमक कानून तोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था उसके अंदर शास्त्री जी ने अपना कर्म यानी अपना योगदान दिया और उस योगदान के दौरान उनको जेल भी जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। यानी 1930 से लेकर 1942 तक यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री ने अपने देश के लिए सतत कर्म करते रहते वक्त उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा।
इन 12 वर्ष के दौरान वे 7 बार जेल गए, यानी इन 12 वर्ष के दौरान वो कितनी बार देश के लिए 7 बार जेल में गए। इसी से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। यहाँ पर शब्दार्थ है अंदाजा का मतलब है अनुमान। अंदाजा का मतलब है अनुमान और ललक का मतलब है तीव्र इच्छा। ललक यानी तीव्र इच्छा, यानी 12 वर्ष जो लोग जेल में गए हैं तो उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी तीव्र उनकी इच्छा कितनी तीव्र होगी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी थी। यानी पहली जो उन्होंने 1930 में नमक कानून आंदोलन में किया और उसके बाद उन्होंने 1932 में किसान आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया और उस दौरान भी उनको जेल में जाना पड़ा। 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, यानी 1942 में जब वो जेल में गए तो वो 3 साल तक वो जेल में रहे थे, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री के जीवन काल में उनकी सबसे लंबी जेल यात्रा कौन से साल में हुई थी, तो 1942 में 3 साल तक उनकी लंबी जेल यात्रा हुई थी, वो आंसर हम लिख सकते हैं। इन दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्य में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा कार्य में भी लगे रहे। दौरान का मतलब है दरमियान। दौरान यानी दरमियान, यानी उस दरमियान शास्त्री जी जो गांधी जी के द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्य में भी लगे रहे थे। यानी यहाँ पर वो गांधी जी के बताए गए नियमों पर भी वो काम कर रहे थे और उनके साथ साथ वो जन सेवा से वो जुड़े हुए जो संगठन में जुड़े हुए थे उसमें भी वो सतत कार्य करते रहते थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए, यानी 1935 में उन्हें प्रांतीय कांग्रेस के कमेटी के सचिव भी बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे, यानी 1935 से लेकर 1938 तक वो संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस के अधिकारी भी बने रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, यानी किसानों के लिए उनके मन के अंदर एक विशेष लगाव रहा था, इसलिए उन्होंने सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यानी उनको किसानों को लेकर वो बहुत प्रेरित रहते थे, किसानों के लिए कुछ बहुत अच्छा करने के लिए वो सतत कार्य करते रहते थे, इसीलिए जो किसान कमेटी थी उन लोगों ने 1936 में किसानों की दशा अध्ययन करने वाली, यानी किसान की जो दशा है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसके अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें जमींदारी अनुमूलन पर विशेष जोर दिया। यानी जब उनको अध्यक्ष बनाया गया तब उन्होंने किसान के बारे में पूरी ईमानदारी से कार्य किया और उनके रिपोर्ट में उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिसमें जमींदारी और अनुमूलन पर विशेष जोर दिया। तो यहाँ तक पार्ट 1 और 2 में हमने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।